हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं यश और आप देख रहे हैं यूसा एक्सपर्ट एंटरटेनमेंट। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको अपना जावा एडिशन को, मतलब ये जो आप देख रहे हो इसको जावा एडिशन कैसे करना है वो मैं आपको पूरी तरह से बताता हूँ। तो देखिए, आपको स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि आपका जावा एडिशन कैसे कैसे आ रहा है। तो ये देखिए गाइस, तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। पहले तो आपको अपना जेड आर्चीवर लोड कर लेना है, उसके बाद मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा जिस पे आपको करना है डाउनलोड, क्या वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको करना है ये फाइल, ये वाला VDX Java UI 1.3 MC पैक, माइनक्राफ्ट पैक। और उसके बाद आपको खोलना है अपना जेड आर्चीवर, और उसके बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है, जैसे मेरा सेव होता है डाउनलोड्स में, तो मैं वहाँ से कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर सर्च करूँगा VDX। तो वेट करते हैं और सर्च, पहले तो हम सर्च करेंगे और देखते हैं कि हमारा क्या मतलब आता है स्क्रीन में। तो मेरा तो शायद से नेट स्लो है, आ गया। तो गाइस जैसा कि आप ये देख सकते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर तुरंत ऑप्शन नहीं आएगा। अगर यहाँ पर zip लिखा हुआ आता है MC पैक के इधर, तो आपको यहाँ पर रीनेम पे यहाँ पर MC पैक हटा देना है, मतलब zip और डॉट को हटा देना है, बस इतना रहने देना है। और फिर इसको क्लिक करके माइनक्राफ्ट पे व्यू का ऑप्शन जो यहाँ पर आ रहा है, इसके बगल में जो एरो आ रहा है, इसको क्लिक कर देना है, जिससे आपका माइनक्राफ्ट खुलेगा। उसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है आपको। फिर उसके बाद आपको खोलना है अपना माइनक्राफ्ट, जैसा कि मैं खोल रहा हूँ, हमारा माइनक्राफ्ट खुल रहा है गाइस। तो वेट करते हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा माइनक्राफ्ट खुल गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसा आएगा, मतलब यहाँ पर इंपोर्ट आ जाएगा स्टार्टेड, और आपको यहाँ पर सेटिंग्स खोलना है, उसके बाद नीचे जाना है, ग्लोबल रिसोर्सेज में जा करके मैप एक्स में ये आपको ऐसे शो कर जाएगा, इसको क्लिक करके एक्टिवेट कर देना है और देखना है कि इधर आ गया है कि नहीं। और फिर अभी दिखाता हूँ कि ये कैसा हो जाएगा, मैं आपको पूरी तरह से अच्छे से बताऊँगा कि कैसे क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जावा एडिशन हो गया है, एकदम सेम हो गया है। और यहाँ पर ऑप्शंस खोलता हूँ, और हाँ ये मैंने इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 1.18 के बाद हटा दिया गया है ये क्या बोलते हैं वो वाला UI जो लोग यूज़ करते थे, और ये बहुत अच्छा है। इस पर आपको मैं ये भी बताऊँगा कि इस पर आप वो नहीं होता है प्लेयर्स ऑप्टिफाइन यूज़ करते, तो उस पर आप जूम आउट जूम इन करते हैं, वो PC प्लेयर्स, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कोई वर्ल्ड में चलाता हूँ, जैसे कि ये वाला वर्ल्ड में चलाता हूँ, वेट, तो हमारा वर्ल्ड खुल रहा है गाइस। तो इंतज़ार करते हैं, और देखिए आप एकदम सेम दिखिएगा कि कैसे क्या क्या होता है, और हो जा भाई। हाँ देखिए गाइस, एकदम सेम डिट्टो होगा आपका जैसे जावा एडिशन में होता है, और इससे आप जावा एडिशन की फीलिंग ले सकते हैं मोबाइल पर, और बहुत अच्छा भी लगता है। तो ये आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ इस वर्ल्ड में, और यहाँ से मैं उड़ता हूँ, और ये देखिए इधर आपको बगल में वो 3 डॉट आता है ना, वो नहीं आएगा उस, लेकिन उधर क्लिक कीजिएगा ना आपको पूरा खुल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा है, और ऐसे आपको सेटिंग्स खुलिएगा, ऑप्शंस में जाइएगा, और खुल रहा है हमारा। और ये जो आपको दिख रहा है ये ऊपर में FOV, इसको एकदम 30% कर दिए, और देखिए वो जो PC प्लेयर्स होते हैं वो जूम करके देखते हैं ना वो ऑप्टिफाइन की मदद से, तो ये देखिए ऐसे आपको दिखता है। और फिर से इसको हम नॉर्मल करेंगे, तो इसको हम 60 पर कर देंगे फिर से, तो ये हम नॉर्मल हो जाएंगे। तो ऐसे आपको करना है, और बस लाइक कर दो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर दो। मैं लाऊंगा ऐसी वीडियो आपके लिए सबसे पहले। तो बाय बाय गाइस।